गर्मियों का मौसम आ गया है तो ठंडी ठंडी रेसिपी तो बनाना बनता ही है। तो क्यों ना इस गर्मियों की शुरुआत करें गुलाब जामुन डिलाइट आइसक्रीम के साथ। तो इसे बनाना है बहुत ज्यादा आसान। तो ये देखिए, क्रीमी क्रीमी एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये स्मूथ सी आइसक्रीम। तो नमस्कार, मैं अंकिता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने मस्ती भरी दुनिया फूड चैनल में। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज अगर आप लोग मेरी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आइसक्रीम को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि एक पैन रखना है, उसमें डाल देना है, मैंने यहाँ पे डाला है 300 ग्राम दूध। और यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर में हमें क्या करना है ना, ठंडा दूध डालना है, रूम टेम्परेचर का दूध डालना है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब दूध में उबाल आ जाए तो आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि धीरे धीरे दूध में आपको कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है और लगातार इस जो चम्मच है उसको एकदम चलाते रहना है। आपको चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, वरना क्या होगा कि अगर आप रोक दोगे ना तो यहाँ पे गुठलियाँ पड़ जाएंगी, और वो गुठलियाँ ना लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी कर लो आप, कितना भी आप उसको बीट कर लो वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। तो यहीं पर आपको फटाफट से अपने हाथ को चलाते हुए इसी तरह से इसको मिक्स करना है। और देख सकते हैं आप लोग कि बिल्कुल भी गुठली कोई भी लम्स नहीं पड़े हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए। और अब इसको ना अच्छी तरीके से पकाना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक आप इसको पकाना है आपको। तो कस्टर्ड पाउडर मेरा वनीला फ्लेवर का था और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड कर दिया मैंने अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मीठा मुझे चाहिए उतना। आप क्या कर सकते हो कि जब आप उसको बीट करोगे ना तब भी आप उसमें चीनी का पाउडर डाल सकते हो, पर मैंने सोचा कि इसके लिए चीनी को पहले पीसना पड़ेगा मिक्सी में, इससे अच्छा है कि यहीं डाल देते हैं, गल जाएगा और कस्टर्ड पाउडर भी हमारा कुछ देर तक पक जाएगा। तो देखिए कोई भी गुठली नहीं है, कोई भी लम्स नहीं है, तो हमारा कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है ये घोल। तो इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। तो एक बाउल में मैं इसको निकालती हूँ और इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। 20 से 25 मिनट बाद मैं इसको निकालूंगी। तो देखिए 20 से 25 मिनट बाद मैंने इसको निकाला तो इसका कलर देखिए एकदम कितना बढ़िया सा कलर है। अब मैं इसको बीट कर लेती हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैं इसको मतलब बीट करूँगी। तो बीट करने के बाद क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा बनता है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बीट करने के बाद इसमें डालूंगी जो चीज़ आगे, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले तो इसको बीट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखिए अब मैं इसको बीट करते हुए क्या करना है आपको, 5 से 6 मिनट हो चुका है मेरा लगभग। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रोक के इसमें फ्लेवर के लिए वनीला वाला थोड़ा सा और एसेंस इसमें डाल दूंगी। तो 2-4 बूंदे मैंने इसमें वनीला एसेंस की डाल दी है और ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे व्हिपिंग क्रीम जो है नहीं मेरे मार्केट में मिलता है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेश क्रीम भी मैंने 250 ग्राम के करीब में डाल दिया। और देखिए देखा आपने डालते वक्त कि एक कटोरे में कितना है। अब ये जब बढ़कर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा बीट करते 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 करते, जितना आप इसको बिस्कर से बीट करोगे ना उतना ही ये बढ़ता जाएगा, क्रीमी होता जाएगा, उतना ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा ये। तो अब इसको बीट करके मैंने इसे थोड़ा सा साइड में रख दिया 2-4 मिनट तक। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं गुलाब जामुन। तो अब क्या करते हैं, हम इस लेफ्ट ओवर गुलाब जामुन को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो बीते दिनों में हमारे यहाँ शादी थी और बहुत सारे गुलाब जामुन बच गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक रेसिपी बना ली जाए। तो आज मैंने ये गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम बनाने की सोची। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया है और थोड़े से गुलाब जामुन मैं रख देती हूँ डेकोरेशन के लिए, बाद में भी ज़रूरत लगेगी मुझे गुलाब जामुनों की। तो अब मैं 2 गुलाब जामुन 2-3 ऐसे क्या करूँगी रफली ऐसे क्रश करके मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि जो हम गुलाब जामुन वाला भी जो फ्लेवर है ना वो भी इसमें आ जाए आइसक्रीम में। अब मैं इसको और बीट करूँगी, कम से कम 10 मिनट तक इसको बीट और करना है। मतलब जितना ज़्यादा आप इसको बीट करोगे, जितना ज़्यादा ये क्रीमी होगा, जितना ज़्यादा फ्लफ़ी होगा, उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका जो है आइसक्रीम बनने वाला है यहाँ पे। तो इसे मेहनत तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मेहनत तो यहाँ पर मशीन कर रहा है, हम तो बस चला रहे हैं इसको। तो आइसक्रीम जब खानी है तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी एकदम क्रीमी क्रीमी सा हो गया, और कितना बढ़ के भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 2 गुना ज़्यादा हो गया ये। तो अब मैं क्या करूँगी ना, एक सिल्वर पेपर लेना है आपको और उस पेपर से ना इसको कवर कर देना है, अच्छी तरीके से इसको कवर कर देना है चारों तरफ से, ताकि कहीं से भी एयर ना आए जाए। और इसको अच्छी तरह से कवर करने के बाद आपको क्या करना है ना, इसको फ्रीजर में रख देना है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए और 2 घंटे बाद मैं इसे निकालती हूँ। तो 2 घंटे हो चुके थे तो मैंने इसको निकाला और ये देखिए
तो कितना ज़्यादा ये ठंडा ठंडा भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, और इसको और बीट कर लेते हैं। नीचे से थोड़ा सा जम गया था ये, पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं जमा था। अगर बहुत अच्छी तरीके से जम जाए तो भी अच्छी बात है, फिर भी उसको निकालिए और उसको अच्छी तरीके से बीट करिए। कम से कम 10 मिनट तक आप इसको और बीट करिए। जितना आप इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे, अब इसके बाद जब आपकी जो आइसक्रीम जमेगी ना, उसमें बर्फ़ नहीं जमेगी। क्या होता है कि हम नॉर्मली आइसक्रीम घर में जमाते हैं तो उसमें में बर्फ़ जम जाते हैं, पर इसमें ये बिल्कुल बर्फ़ नहीं जमेगा, क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर होगा। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी क्रीमी दिख रहा है ये। तो मैं इसको 10 मिनट तक लगभग बीट करूँगी, और इसके बाद हम इसको जब रखेंगे फ्रीजर में, तो जब हम निकालेंगे और जब हम आइसक्रीम को खाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा एकदम आइसक्रीम होगा, जैसे दुकानों पर मिलती है। दुकानों में आपने देखा होगा कि आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बहुत स्मूथ सा रहता है वो आइसक्रीम। तो हम क्या करते हैं कि एक कोई सा भी लेंगे कंटेनर और उसमें डाल लेंगे। फिर थोड़ा सा डालने के बाद मैंने फिर एक गुलाब जामुन की लेयर लगा दी, और गुलाब जामुन की लेयर लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा और इसमें आइसक्रीम को ऐड करा और उसको ढक दिया। फर्स्ट लेयर को ढकने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर दूसरी लेयर लगाएंगे गुलाब जामुन की। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और इसके बाद क्या करना है, फिर जो बचे हुए जो क्रीम है उनको भी हम अच्छी तरीके से स्पैचुला से साफ़ करते हुए इसको हम पूरा अच्छी तरीके से भर देंगे, जितना भी हमारा वो क्रीम बचा हुआ, जितने भी आइसक्रीम। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से तोड़ के गुलाब जामुन और इसमें डाल देते हैं, ताकि देखने में भी थोड़ा सुंदर लगेगा और खाने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगने ही वाला है। अब इसको ओवरनाइट मैंने रख दिया कवर करके, कि फिर फॉइल पेपर से मैंने इसको अच्छी तरीके से कवर किया, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा या फिर कुछ भी ना अंदर जा सके। इतनी अच्छी तरीके से इसको कवर करना है आपको, और उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर से ढक्कन लगा देना है आपको। अंदर आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, पर मैंने सिर्फ फॉइल पेपर से इसको कवर किया। उसके बाद ढक्कन लगा के, अच्छी तरीके से ढक्कन को दबा के आपको फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट। अब ओवरनाइट रखने के बाद मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये जम चुका है मेरा। तो अब मैं इसको निकालती हूँ। पहले तो बताते बताते मेरे मुँह में पानी आ गया, और बताया मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, और मैंने फटाक से निकाला और फटाक से खा लिया। सब लोगों ने घर में खाया, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए कितना अच्छे से निकल भी रहा, और देखने में भी कितना क्रीमी क्रीमी सा है, बिल्कुल अंदर बर्फ नहीं जमा, एकदम क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर है। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मेरा आइसक्रीम बन के निकलेगा। तो सेकंड वाला मैं ग्लास में निकाल रही हूँ, ये बड़ी ग्लास वाला तो पक्का मैं ही खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ही आइसक्रीम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरे घर में मेरा बच्चा भी बहुत प्यार से आइसक्रीम को खाता है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, हमने दोनों ग्लास में और कटोरे में निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा ऊपर से फिर हाफ हाफ कट के करके गुलाब जामुन डाल देते हैं, और इसका एक सिंपल सा डेकोरेशन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी गुलाब जामुन आइसक्रीम बनके तैयार है।